बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट लेक्चर जो है उसका हमने पढ़ा था कंपाउंड टिश्यूज़, ठीक है। चैप्टर 4 काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं, अच्छी तरह से आपने वो याद करना है। तो अब चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द सेल साइकिल, ठीक है। डेफिनेशन इसकी ये है बेटा कि वो सारे के सारे प्रोसेसेस या इवेंट्स का कसम जिसके ज़रिए जो है वो एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, उसको हम लोग नाम देते हैं सेल साइकिल का, ठीक है। ये एक सेल जो है ये दो सेल्स में जिन प्रोसेसेस से गुजर के कन्वर्ट होगा, उन सारे के सारे प्रोसेसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल साइकिल का नाम देते हैं, ठीक है। डिवीजंस की बात करें बेटा तो सेल साइकिल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है जी इंटरफेस एंड सेकेंड वन इज़ द माइटोटिक फेज। यहाँ पे आज हम लोग जो है वो इंटरफेस की बात करेंगे, फिर आगे जाके हम लोग माइटोटिक फेज की भी बात करेंगे। तो इंटरफेस क्या है, इंटरफेस होता है जी कि अगर एक सेल जो है वो पहले डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होने के लिए ज़रूरत है उसको कि वो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करे फॉर डिवाइडिंग, ठीक है। तो इंटरफेज एक ऐसा फेज़ है जिसमें डिवाइडिंग नहीं होती, सेल डिवाइड नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवाइडिंग। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं जाना हो, पिकनिक वगैरह पे या कहीं भी, तो सबसे पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। ऐसे ही एक सेल ने अगर डिवाइड होना है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर डिवाइडिंग। तो उस प्रिपरेशन फेज को हम लोग नाम देते हैं जी इंटरफेज। एक सेल डिवाइड होने में जितना टाइम लगाता है उसमें से तकरीबन 90% टाइम जो है बेटा वो किस में लग जाता है, इंटरफेस में लग जाता है, ठीक है। इस फेज को आगे फिर हम लोग तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये सारे आपने शॉर्ट में याद रखने हैं कि G1 फेज क्या है, S फेज क्या है और G2 फेज क्या है। G1 फेज को जी ग्रोथ 1 फेज का भी नाम दिया जाता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि इंटरफेस में सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। तो G1 फेज में वो क्या करता है, G1 फेज में बेटा सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सेल के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 4 में जो पढ़े थे राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडीज, वो भी डिवाइड हो जाते हैं और प्रोटीन की अमाउंट जो है, लिपिड्स की अमाउंट जो है, एंजाइम्स की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वो सारी के सारे एंजाइम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो आगे एस फेज में जाके जिनकी ज़रूरत है, ठीक है। ये सारा कुछ जब हो जाता है तो G1 फेज ख़त्म हो जाता है और सेल किस में चला जाता है, एस फेज में, ठीक है। तो एस फेज में क्या होता है जी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो ये एक सेल है, सेल के दरमियान में न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ये क्रोमोसोम्स अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये क्या हो जाता है जी, डबल हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो एस फेज में डबल हो जाते हैं। फिर सेल चला जाता है जी G2 फेज में। G2 फेज में जाके वो अपने अंदर जो है वो ऐसे एंजाइम्स की फॉर्मेशन करवाना स्टार्ट कर देता है, विच आर फर्दर यूज्ड इन द माइटोटिक और डिवाइडिंग फेज। तो आगे जाके जो है वो माइटोटिक या डिवाइडिंग फेज के अंदर यूज होते हैं, वो सारे के सारे एंजाइम्स हैं वो किसमें बनते हैं, G2 फेज में बनते हैं, ठीक है। अब जब ये तीनों फेज कंप्लीट होते हैं बेटा, तो फिर सेल चला जाता है माइटोटिक फेज में और 90% टाइम जो है वो सेल इसी तीनों कामों में लगा देता है, ठीक है। अब याद रखना है आपने, जब ये तीनों फेज कंप्लीट हो जाते हैं तो सेल के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे ऑर्गेनेल्स भी डबल हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स भी डबल हो जाते हैं, सारा कुछ डबल हो जाता है। सिर्फ तीन चीज़ें हैं जो कि अभी तक डिवाइड नहीं हुई होती, कौन कौन सी, एक साइटोप्लाज्म, एक सेल मेम्ब्रेन और एक न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेल जो है वो G1 फेज से चला जाता है G0 फेज में, ठीक है। G0 फेज को हम लोग नाम देते हैं बेटा नॉन डिवाइडिंग फेज। हमारी बॉडी के कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कभी भी G0 फेज में नहीं जाते, कुछ सेल्स ऐसे हैं कि जो कुछ वक्त के लिए टेम्परेरी G0 फेज में रहते हैं और जैसे ज़रूरत होती है वो G0 फेज से G1 फेज में आ जाते हैं। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी G0 फेज में रहते हैं परमानेंटली और कभी भी G1 फेज में नहीं जाते, ठीक है। तो G0 फेज एक ऐसा फेज है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करता, डिवीजन उसकी ख़त्म हो जाती है, उसको हम लोग G0 फेज कहते हैं। हमारे जो स्किन के सेल्स हैं बेटा, जिनको एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है, वो कभी भी G0 फेज में नहीं जाते, जबकि जो किडनी के सेल्स हैं वो तब तक G0 फेज में रहते हैं जब तक किडनी जो है वो सही है। जैसे किडनी डैमेज होना स्टार्ट होगी तो जो डैमेजिंग सेल्स हैं वो G0 फेज से G1 फेज में चले जाएंगे ताकि न्यू सेल्स बन सकें, ठीक है। और जो ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स हैं वो एक दफ़ा जब ब्रेन मच्योर हो जाता है बेटा, तो फिर उसके सेल्स हैं वो G0 फेज में रहते हैं, वो कभी भी G1 फेज में
नहीं आते। अब इससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। जी वन फेज, एस फेज, जी टू फेज, जी नॉट फेज को अच्छी तरह से पढ़िएगा। एम सी क्यूज़ के लिए याद रखिएगा कौन से सेल्स हैं वो परमानेंटली जी नॉट में रहते हैं, टेम्प्रेरी कौन से रहते हैं और कभी भी जी नॉट फेज में नहीं आते, वो कौन से सेल्स हैं, एक्सेट्रा। कल इंशाल्लाह फिर आगे बात करेंगे।